हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बारे में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है, क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोग समेशन ऑफ डिटरमिनेंट का बारे में पढ़ेंगे। और ये 10 मिनट का कंसेप्ट है कि समेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ डिटरमिनेंट का बारे में। तो देखिए, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो देखिए समेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। तो देखिए, एक रिलेशन है, मान लो एक डिटरमिनेंट है डेल्टा आर, इसमें एफ ऑफ आर ए एल, जी ऑफ आर बी एम और एच ऑफ आर सी पी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां में देखिए ए बी सी एल एम पी आर कॉन्स्टेंट नंबर है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और यहां में एफ आर जी आर एच आर ये फंक्शन है, किसमें है, आर का टर्म में ना। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये आर में फंक्शन है। ठीक है, यहां में एफ आर है मतलब कि आर में ये फंक्शन है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर रो या कोई भी पार्टिकुलर कॉलम में अगर वो आर का फंक्शन है, तो समेशन उसका पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में चला जाता है। मतलब कि अगर कोई बोलेगा कि समेशन आर इक्वल टू 1 से n, डेल्टा आर का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ में क्या होगा कि डेल्टा आर तो ये है, और समेशन आर इक्वल टू 1 से n, तो ये C1 में देख रहे हैं कि ये पूरा C1 जो है उसमें आर का फंक्शन है। तो समेशन किस में चला जाएगा, C1 रो में चला जाएगा, आर इक्वल टू 1 से n एफ आर हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ए एल एज इट इज रहेगा। और यहाँ में होगा समेशन आर इक्वल टू 1 से n जी ऑफ आर, और यहाँ में क्या हो जाएगा बी, और यहाँ में हो जाएगा एम, और यहाँ में क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 1 से n एच ऑफ आर, और यहाँ में हो जाएगा सी, और ये पी हो जाएगा। तो यही है समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में हो सकता है। ठीक है, यहाँ में पार्टिकुलर कॉलम में है तो समेशन पार्टिकुलर कॉलम में लग जाएगा, अगर रो में होगा तो समेशन पार्टिकुलर रो में हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए ध्यान देते हैं। एक डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा आर क्या है आप लोग का, डेल्टा आर है आर एक्स एन एन प्लस 1/2। ठीक है, और दूसरा क्या है 2r-1, और यहाँ में है वाई, और यहाँ में n2, और 3r-2 जेड, और यहाँ में है n 3n-1/2। और क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n, डेल्टा आर की वैल्यू किसका इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए में 0, 1, सी में होगा -1, और डी में होगा नॉन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ में देख रहे हैं कि ये आर 2r-1, 3r-1, तो ये मतलब कॉलम वन में जो है वो आर का फंक्शन है, तो समेशन लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, और एक्स वाई जेड आपको क्वेश्चन में बोला गया था, यहाँ में एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है। देखिए ये आर जिसमें आपका आर का फंक्शन होगा उसी में समेशन जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके n तक डी आर का मतलब डेल्टा आर का वैल्यू निकालेंगे, तो ये किस में चला जाएगा बताइए, आर किस, आर कौन सा फंक्शन में आ रहा है, कॉलम वन में आ रहा है, तो यहाँ में आप लिख देंगे सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n आर हो जाएगा, यहाँ में सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 2r-1 हो जाएगा, और यहाँ में सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n क्या हो जाएगा 3r-2 हो जाएगा, और यहाँ में देखिए एक्स वाई जेड, और यहां में क्या हो जाएगा n n+1/2 n² n(3n-1/2), तो यही वैल्यू हो गई, और ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, कि इसका ऑप्शन 0 होगा 1 होगा, सी पार्ट जो क्या है -1 और डी नॉन ऑफ दिस। तो आप यहां तक उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लीजिए।
तो देखिए यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे तो आपको ये वाला पार्ट समेशन आर की वैल्यू क्या होगी, 2r माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 3r माइनस 2 की क्या वैल्यू होगी, तो सबसे पहले इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समेशन आर, आर का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए समेशन आर इक्वल टू वन से लेके एन की वैल्यू, इसका क्या वैल्यू होगा। अब जानते हैं आप आर के वैल्यू वन पुट करेंगे, वन एक बार आर की वैल्यू टू पुट करेंगे, आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, फोर पुट करेंगे, कहाँ तक पुट करेंगे, एन तक। तो आपका इसका सम डायरेक्ट क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन का जो सम होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, याद होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये एपी में है तो एपी का एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट टर्म वन है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है वन है, नंबर ऑफ टर्म कितना है एन है, तो इसका समेशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस ए एन, याद होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है वन और लास्ट टर्म कितना है एन, तो वही एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, याद समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, या आपका डायरेक्ट याद होता है, देखिए सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन, 2r माइनस 1 की क्या वैल्यू होगी, पहले आप ओपन कर दीजिए, अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और r की लास्ट वाली वैल्यू पुट करेंगे n तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1। तो देखिए r इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n नंबर ऑफ टर्म है, तो आप फॉर्मूला लगाइए sn का, तो फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस 2n माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, n बाई 2, 1 से 1 कट जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा तो n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर आ गई, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n 3r माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक बार r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, R की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 जा 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर R की लास्ट वैल्यू पुट करेंगे n तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 3n माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी AP में है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 और नंबर ऑफ टर्म कितना ही है n है और लास्ट टर्म बताइए कितना है 3n माइनस 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो देखिए हो गया n बाई 2 3n प्लस 1 माइनस 1 3n माइनस 1, तो देखिए सारा आपने वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r की वैल्यू क्या है बताइए, इसका जगह में आप पुट कर दीजिए तो वैल्यू कितना ही आ गया आपका, देखिए वहां में आपने लाया है n n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो हम लोग का n स्क्वायर आ गया, और सिग्मा r इक्वल टू n से लेके 3r माइनस 2 कितना आ गया, 3r माइनस 2 क्या हो गया, n बाई 2 3n माइनस 1, और इसी की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए जो कॉलम 1 है C1 और C3 क्या आपको आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं क्या, C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया, तो बताया गया था रोल अगर टू कॉलम या टू रो आइडेंटिकल होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो हो जाती है। तो आप यहाँ में लिख सकते हैं C1 एंड C3 जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल होगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बारे में बात करेंगे। तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट है डेल्टा, सपोज मान लो 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप जैसे कि आपने इंटरचेंज किया, जैसे सपोज आपने R1 को क्या किया, R1 प्लस R2 किया, मतलब R1 को आपने क्या किया, R1 प्लस R2 करेंगे तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा उसका जो वैल्यू होगा और ये जो डिटर्मिनेंट है उसका दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है, तो यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने R1 को इंटरचेंज किया R1 प्लस R2, ठीक है, तो देखिए R1 को R1 प्लस R2 करेंगे तो मान लीजिए एक न्यू डिटर्मिनेंट आया डेल्टा डेस, अब क्या कर रहे हैं R1 में क्या कर रहे हैं, R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं, देखिए R1 में आप इंटरचेंज कर रहे हैं कि R1 को R2 में ऐड कर रहे हैं, देखिए R1 तो ये 1 है प्लस R2 कितना है 3 है,
आपको मालूम है ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो ये R1 है, ये 2 है, और ये R2 इसमें जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए R2 में आप कुछ भी इंटरचेंज नहीं कर रहे, R2 एज इट इज रहेगा, मतलब ये 3 4 होगा। तो देखिए इसको आप अगर आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 होगा, 1 प्लस 3 4 होता है, 2 4 प्लस 2 6 होगा, और यहाँ में 3 और ये 4। तो इसका मतलब कि जो डेल्टा है और जो डेल्टा डैश है दोनों सेम होगा, मतलब कि डेल्टा का वैल्यू किसका इक्वल हो जाएगा, डेल्टा डैश का होगा। मतलब आप कोई भी आप देख भी सकते हैं, देख अच्छा बताइए डेल्टा का वैल्यू कितना होगा 4 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है माइनस 2, इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 18, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2। तो यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर आप कोई भी रो को R1 को R1 प्लस R2 करेंगे या R1 माइनस R2 करेंगे या सच ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आप R1 को R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ऐसा टाइप का अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं उसी को बोला जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए एक और आपको बताया जाए, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को और थोड़ा सा समझ में आना है, अगर मान लो डेल्टा इक्वल टू है 257132418, ठीक है ऐसा टाइप का है। अगर आप इसमें R1 में आप कुछ इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 को आप लोग क्या कर रहे हैं, आप R2 को क्या कर रहे हैं, देखिए R2 को R2 प्लस 4 टाइम्स R3 कर रहे हैं, तभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं R2 में, आप किस में इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में, ये है R2, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 का साथ में 4 टाइम्स R3 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो डेल्टा होगा R1 में कुछ भी इंटरचेंज नहीं हो रहा है, तो जो डेल्टा डैश होगा मान लीजिए तो ये होगा 257, आप किस में इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में, R2 में क्या कर रहे हैं R2 प्लस 4R3, देखिए R3 में आपको 4 से इंटू करना है और इसका साथ में ऐड कर देना है, तो 4 4 जा 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, 32, 8 4 जा कितना होता है 32 प्लस 2 34, और R3 एज इट इज रहेगा 418। इसका मतलब कि जो डेल्टा का वैल्यू होगा वही डेल्टा डैश का इक्वल होगा। तो यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई भी ऐसा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऐसा भी कर सकते थे C1 को C1 प्लस C2 माइनस C3, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब आपको आप सोच रहे होंगे कि कब क्या यूज करना है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आने के बाद में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको कौन कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना होता है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये करेक्ट नहीं होता है। कोई क्या करता है कि आप ऐसा कर लेंगे, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप ये नहीं कि R1 को आप ऐसा कर सकते हैं C1 प्लस R3, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। R1 में आप जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं वो पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि कॉलम को रो में आपस में ऐड करेंगे, ऐसा कभी भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का करेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। C1 को आप ऐसा नहीं लिख सकते C1 प्लस C2 इंटू C3, ये नहीं कि C1 को C1 प्लस C2 इंटू C3 मल्टीप्लाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। या मैं C1 C2 दो कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीनियर नहीं रहेगा, तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं किया जा सकता। और आप C1 को आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं कि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। तो ये सब ट्राई आपको नहीं करना है, ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा भी ट्राई नहीं कर सकते हैं, अगर आप R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं तो R1 को 2 टाइम्स R1 प्लस 3 टाइम्स R2, ऐसा भी करना गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब R1 में जब कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा प्लस सम नंबर टाइम्स R2 या R3, ऐसा होगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, अगर आप R1 में यूज कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा, R1 प्लस अल्फा टाइम्स R2, प्लस माइनस हो सकता है, अल्फा कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस R3 मतलब बीटा टाइम्स R3, ऐसा टाइप का हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। अल्फा कुछ भी नंबर हो सकता है, बीटा कुछ भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर होगा। तो R1 में यूज करें तो R1 प्लस समथिंग, ठीक है ना। तो ये आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, कॉलम में होगा तो कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ।
1, 2, 3, 4 ये एक डिटर्मिनेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे R1 में हम लोग 2 times R1 plus R2 करके देखें क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है क्या। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा डैश मान लीजिए, अब क्या कर रहे हैं R1 में 2 times R1 कर रहे हैं और R2 का साथ में ऐड कर रहे हैं, जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 का साथ में ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए जो हम लोग का R1 है 1, 2 और 3, 4 इसमें आपको क्या करना है 2 times R1, 2 into R1 का वैल्यू 1 प्लस, मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई कर देता, 2 times R1 क्या है 1 प्लस R2 क्या, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 3 यहाँ में हो जाएगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा फिर 2 times R1, R1 क्या है 2 प्लस R2 4 और R2 में तो आप कुछ भी इंटरचेंज नहीं कर रहे तो एज इट इज रहेगा 3, 4 ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, तो आप यहाँ से क्या ही कर सकते हैं, देखिए 2 प्लस 3 कितना ही हो जाएगा 5 हो जाएगा और 2 times 4 plus 4 8 हो जाएगा और 3, 4 होगा। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाला जाए तो 20 minus 24, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई -4, यहाँ में वैल्यू निकालेंगे तो 4 minus 8 ठीक है, 4 minus 3 times 6 होता है तो इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो सेम नहीं होता है ठीक है ना। तो ये नहीं कि R1 में जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो सम टाइम्स R1 नहीं कर सकते हैं ठीक है, ठीक है। तो ये है हम लोग का डिटर्मिनेंट, आप ऐसा कर सकते थे R1 plus 2R2 तब ये सही होता ठीक है, तो ये आप ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि अब जब भी एक डिटर्मिनेंट है जैसे हम लोग का XYZM, तो अगर आप R1 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताया गया था कि आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से डिवाइड कर देना होता है। अगर आपका एक डेल्टा डैश होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मान लो 2x 2y z और m, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड करिए तब डेल्टा और डेल्टा डैश आपस में इक्वल होता है। तो ये है हम लोग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख लूं, क्वेश्चन 1 ठीक है, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट 1xyz 1yzx 1zxy की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी ठीक है। मैंने थोड़ा कुछ गलत लिख दिया था, y plus z और यहाँ में हम लोग का है z plus x और यहाँ में जो है x plus y है और इसकी वैल्यू क्या आनी है 0 आनी है। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए। तो देख रहे हैं आप R2 में क्या है, R2 में ये R2 है, ये R1 है और ये R3 है, तो आपको 0 लाना है और एक्सपेंड भी नहीं करना है, तो आपको प्रॉपर्टीज भी लगाना होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करना है। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, अगर R3 में देखो क्या है y plus z, अगर इसमें R2 का साथ में ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा x plus y plus z, यहाँ में क्या है z plus y और यहाँ में z plus x और यहाँ में क्या है y, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो x plus y plus z होगा और यहाँ में भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x plus y plus z हो जाएगा, जो कि कॉमन निकल सकता है। तो आप क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, R2 को क्या करिए R2 प्लस R3 कर दीजिए, या R3 में R2 को ऐड करो या R2 में R3 को ऐड करो, बात सेम है। तो जो आपका देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ में यूज हो रहा है, सेकेंड रो में, और बाकी सब एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1, 1, 1। अब आप यहाँ में क्या कर रहे हैं, R2 में R2 का जो भी एलिमेंट है उसमें आप R3 का एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ये R2 है ये R3 है, जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा x plus y plus z और यहाँ में y है और यहाँ में ये है, तो ऐड होगा तो क्या होगा x plus y plus z और यहाँ में भी ऐड होगा तो क्या होगा x plus y plus z और R3 एज इट इज रहेगा ठीक है, y plus z z plus x x plus y, और इसको प्रूव करना है कि ये 0 होगा। तो आप देख रहे हैं कि R2 से क्या कॉमन निकाला जा सकता है कि सब में x plus y plus z, आपको लिखाया गया था प्रॉपर्टीज की कोई भी पार्टिकुलर हो या पार्टिकुलर कॉलम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि टेक कॉमन x plus y plus z
फ्रॉम आर टू, आर टू से ले लीजिए। तो देखिए जब आर टू से आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, वन 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 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। तो यहां में आप लोग देख रहे हैं कि आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल। तो जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर टू। ये भी आपको क्वेश्चन है और ये प्रूफ डेट करना है कि इसका वैल्यू जीरो होगा, एक्सपेंड नहीं करना है। वन ए बी प्लस बी सी सी ए, वन बी सी प्लस सी ए, और ये कितना है ए बी, वन सी ए प्लस ए बी, और कितना है बी सी, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो अब आप सोचिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए कि इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ में ए बी बी सी है, यहाँ में सी ए है। अगर ये कॉलम टू को कॉलम थ्री में ऐड किया जाएगा तो ए बी बी सी सी ए, यहाँ में भी देखिए ए बी है, बी सी है, सी ए है। तो अगर ऐड किया जाएगा तो ए बी बी सी सी ए क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो आप क्या करिए कि जो सी टू है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज किस में करना है, C2 में। C2 को क्या करना है, C2 प्लस C3 कर दीजिए। तो देखिए 1 1 1 AB BC और ये C2 है और C3 को ऐड कर दीजिए CA, और यहां में क्या है BC CA AB, और यहां में क्या हो जाएगा CA AB BC, और C2 C3 जो कॉलम है एज इट इज रहेगा CA AB BC, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू दोनों सेम होगा। और आप देख रहे हैं कि कॉलम टू में क्या हो रहा है, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए कॉमन मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं ए बी बी सी सी ए, इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ में क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ में क्या आ जाएगा, वन वन वन। तो आप देख रहे हैं कि सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल हो गए। अगर ये आइडेंटिकल होगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या ही आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना ही आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर टू था। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कैसे करते हैं और इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, b माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ में a है, लेकिन यहाँ में r2 में r3 में क्या है, माइनस ए है, माइनस बी प्लस बी सी। अगर हम लोग अब सोचेंगे, अगर जो R1 है उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा ऐड करके आप लोग देखेंगे R1 में किस में इंटरचेंज हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप किस में यूज कर रहे हैं, R1 रो में, पार्टिकुलर रो में, R1 में। तो देखिए R1 में क्या होगा, R1 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट को ऐड करके देखिए, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखो ये R1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए माइनस बी, R2 का b माइनस सी, आर थ्री का सी माइनस ए। तो देखिए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी सी, इसका वैल्यू कितना ही आ जा रहा है, जीरो आ रहा है। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से क्या होगा, ये सब ऐड होगा तो यहाँ में जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आर वन, ये आर वन है, फिर ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस ए सी कट जाएगा, तो ये भी जीरो आ रहा है और ये भी जीरो आ रहा है, और बी आर टू और आर थ्री एज इट इज रहेगा, b माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या भी हो गई, जीरो हो गई। आपको बताया गया था कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम जीरो होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या ही होती है, जीरो होती है। तो अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके क्वेश्चन कितने ही ईजी से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे
एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट 41, 79, 29, 79, 29, 1, 7, 5, 5, 9, 3 और इसका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये 41, 79, 29 इसका वैल्यू जीरो हो, तो या तो देखिए जीरो कब आ सकता है, या तो टू रो या तो टू कॉलम आइडेंटिकल हो तब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, या पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम जीरो आ जाए तब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो ऐसा कुछ हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे कि जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या दो रो आइडेंटिकल हो जाए। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ में क्या है 41 और यहाँ में क्या है 1 है और ये 5 है। अगर हम लोग कॉलम 2 में C2 में अगर ऐसा ऑपरेशन करें, C2 को C2 रखें प्लस 8 टाइम्स C3 करें, तो देखिए क्या हो जाएगा। C2 में जब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के यूज कर रहे हैं तो C2 में C2 रहेगा प्लस 8 टाइम्स C3, मतलब कि C3 में 8 से मल्टीप्लाई करिए और C2 में ऐड करिए, देखिए क्या कुछ होता है क्या। तो देखिए जब आप यहाँ में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा कितनी हो जाएगा, देखिए C2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या है 1 प्लस 8 टाइम्स C3, C3 कितना है 5, तो 8 5 जा 40 प्लस 1 कितना ही आ जाएगा 41। यहाँ में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 प्लस 7 तो 79 होगा, और यहाँ में 8 3 जा 24 प्लस 5 29। तो देख रहे हैं कि आप दो कॉलम क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। तो यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा, C2 को C2 प्लस 8 टाइम्स C3। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, इंटरचेंज केवल किस में होगा C2 में, 41 79 29 ये किया हो जाएगा 41 या कितना हो जाएगा 79 और ये कितना हो जाएगा 29, क्योंकि आप लोग को मालूम है 1 प्लस 8 टाइम्स C3, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा 593। तो इस देख रहे हैं कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो अगर आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यही क्वेश्चन था, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट, ये हम लोग का क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन वाई कॉस वाई कॉस वाई प्लस अल्फा साइन जेड कोस जेड और यहाँ में हो जाएगा कोस जेड प्लस अल्फा की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग ये साइन एक्स लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे, और देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अब मैं थोड़ा आपको याद करा देता हूँ, कॉस ए प्लस बी क्या ही होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला को आप अप्लाई करिए, कॉस ए प्लस बी तो क्या ही हो जाएगा कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ में क्या होगा साइन वाई, यहाँ में होगा कॉस वाई, और यहाँ में कॉस वाई प्लस जेड क्या है कॉस एक्स, सॉरी एक्स नहीं है वाई होगा, कॉस वाई कॉस जेड कॉस अल्फा माइनस साइन वाई साइन अल्फा, ठीक, और यहाँ में क्या है साइन जेड, तो ये हो गया साइन जेड, और यहाँ में क्या हो जाएगा कॉस जेड, और यहाँ में क्या हो जाएगा कॉस जेड इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन जेड इंटू साइन अल्फा, तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला को मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आपका पास दो है,
आप या तो जैसे आपका प्रॉपर्टीज बताया गया था कि कोई भी डिटरमिनेंट को हम लोग टू टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, या हम लोग ऑपरेशन यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कॉलम में लगाएं, पहले हम लोग इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर ये वाला वैल्यू है, तो अगर हम लोग C3 में देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, C3 को C3 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ में क्या है, देखिए साइन एक्स है, यहाँ में C1 में क्या है, साइन एक्स है, और यहाँ में साइन एक्स का साथ में क्या मल्टीप्लाई है, साइन अल्फा। तो अगर हम लोग साइन अल्फा इंटू C1 करते हैं, तो देखिए क्या होगा, साइन अल्फा इंटू C2, और यहाँ में क्या है, कॉस एक्स कॉस अल्फा, यहाँ में तो कॉस एक्स है, यहाँ में प्लस है, तो अगर माइनस कर दें कॉस अल्फा इंटू C2, तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ये जो C3 है वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, जीरो, और ये भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो जीरो बन जाएगा, तो पार्टिकुलर कॉलम जीरो हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या ही हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आप ये वाला यूज करेंगे, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक आपको समझ में आ जाए, ताकि ये C3 में आप इंटरचेंज, C3 में क्या कर रहे हैं, C3 में देखो यहां में क्या है, कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा, तो ये हो गया C3 प्लस क्या है, साइन अल्फा इंटू C1, C1 क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू C2, C2 में क्या है, कॉस एक्स है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि कॉस एक्स से और ये कॉस एक्स कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा ना, मतलब ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, साइन जेड कोस जेड जीरो। तो अगर ये पार्टिकुलर कॉलम जीरो है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या ही हो गई, जीरो। तो ये भी एक तरीका था, या आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तभी भी इससे आंसर आ जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डिटरमिनेंट को दो सम में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स, आपका मर्जी है आप कैसा करना चाहेंगे, कोस एक्स कॉस वाई कॉस जे, और यहां में क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा कॉस वाई इंटू कॉस अल्फा कॉस जेड इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन वाई साइन जेड कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड माइनस, ये देखिए आप माइनस ले लेना है, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन वाई साइन अल्फा, और यहां में क्या हो जाएगा, माइनस साइन जेड साइन अल्फा। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, यहां से करने से अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए कॉस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहां से कॉस अल्फा कॉमन था, तो आपने कॉस अल्फा यहां में कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहां में देखेंगे आप माइनस है और यहां में साइन अल्फा है, तो आप माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए C3 से, यहां तक समझ में आ रहा है, तो साइन अल्फा कॉमन ले लिए। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लिए, तो देखिए ऐसा हो गया। अब देखिए C2 और C3 क्या होगा, आइडेंटिकल हो गया, C2 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू जीरो। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू जीरो माइनस साइन अल्फा, यहां से आप देख रहे हैं कि साइन C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तभी भी इसका वैल्यू क्या ही आ जाएगा, जीरो। तो ये भी हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, लेकिन आपको सोचना है कि कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को आपको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को आप सबसे पहले जीरो बनाएंगे, उस जीरो बनाने के बाद में मैक्सिमम जीरो बनाइए, अगर वो मैक्सिमम जीरो हो जाता है तब उसका एलोंग आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ वन एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर।
ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या बताया गया है कि आपको सबसे पहले मैक्सिमम जीरो बनानी है। कोई भी पार्टिकुलर हो या पार्टिकुलर कॉलम को आप मैक्सिमम जीरो बनाइए, मैक्सिमम जीरो बनाइए। मैक्सिमम जीरो बनाने के बाद में जहां में जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ रहा है उसका अलोंग आपको एक्सपेंड करना है, ताकि एक्सपेंशन करने से ईजी हो जाएगा। तो देखिए, अब आपको यहाँ में क्या करना है, मैक्सिमम जीरो बनाना है। अब ये हमेशा दिमाग में रहेंगे और ये दिमाग में याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ में आपको कुछ भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या किया जाए, तो यहाँ में देखो वन है, यहाँ में भी वन है, यहाँ में भी वन है। अगर हम लोग वन को वन में माइनस करें तो जीरो आ जाएगा ना, वन से वन में माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि जो कॉलम वन है उसमें सी वन माइनस सी टू करिए, सी वन ये है और ये सी टू है, जब माइनस करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन कितना ही आ जाएगा, वन इसमें से कॉलम वन और कॉलम टू को माइनस करनी है तो ये जीरो हो गया, और यहाँ में होगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा वन वाई वाई स्क्वायर। आप एक साथ में दो तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहली बार वन जेड जेड स्क्वायर, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आपने एक जीरो बना लिया, फिर आप देखिए कि क्या और जीरो बन सकता है क्या। तो अब आप देखिए, ये C2 है और ये C3 है, दोनों में वन वन है, तो आपको अब क्या करना है, C2 को अगर C3 में माइनस करेंगे तो इसका भी वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो फिर दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। अब क्या यूज करना है कि जो C2 है उसको C2 माइनस C3 कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो देखिए, ये C1 में चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ में वन माइनस वन क्या ही हो जाएगा, जीरो। यहाँ में क्या होगा, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि आर वन में दो जीरो हो गया, तो इस एक ही एलिमेंट बचा, उसका एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो इससे क्वेश्चन ईजी से सिंप्लीफाई होगा। तो अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके मैक्सिमम जीरो बनाना है। ठीक है, तो देखिए, आपको इसका एक्सपेंशन आता ही है, प्लस माइनस प्लस आता ही है, तो यहाँ में ये दोनों टर्म तो जीरो ही हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये होगा वन इंटू। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस वाई टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई माइनस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये x माइनस वाई होगा, y माइनस जेड का मतलब होता है y प्लस जेड वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ में होगा y माइनस जेड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, y माइनस जेड वाई माइनस जेड, तो ये हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, वाई प्लस जेड माइनस माइनस, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वाई। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये हो गया जेड माइनस एक्स। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, आप यहाँ इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव डेट कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ में x है, y है, z है, तो आप देखिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, r1 को आप क्या करिए, r1 प्लस r2 प्लस r3 करिए, r1 को r1 प्लस r2 प्लस r3, तो इससे क्या होगा आपका, r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे तो जो फर्स्ट रो में केवल इंटरचेंज हो रहा है तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने ऐड किया, यहाँ में क्या है y और ये z प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और इसमें क्या होगा z प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, r2 और r3 थ्री एज इट इज रहेगा, y z x z x y, तो ये वैल्यू हो गई। आप देख रहे हैं कि जो r1 है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, तो टेक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम आर वन। ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए,
तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहां में क्या होगा, वन 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 वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि फिर आर वन, ये सी वन सी टू सी थ्री में, ये R1 रो में 1 1 1 आ गया, तो अब आपको 0 बनाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाइए, 0 कैसे बनेगा, जब आप कॉलम 1 को कॉलम 2 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट अभी यूज कर रहा हूँ, तो C1 को पहले C1 माइनस C2 करो, C1 को C2 से माइनस करेंगे तो एक 0 बचेगा, फिर C2 को C2 माइनस C3 करिए, तो देखिए डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू होगी x प्लस वाई प्लस जेड होगी, 1 माइनस वन जीरो, वाई माइनस जेड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, ये होगा 0, ये होगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ में होगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ में क्या होगा, 1 एक्स वाई। अब आप देखिए कि R1 का एलोंग, R1 में दो 0 हो गया, तो आप इस R1 का एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि जहाँ में मैक्सिमम 0 होगा उसका एलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो अब आप एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड एलोंग R1, ठीक है, आप R1 का एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो जब R1 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों टर्म का आगे में जो भी नंबर होगा तो डायरेक्ट 0 होगा, क्योंकि पहला ही एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए ये होगा 1 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम्स, ठीक है, आपको ऐसे करना है, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें, तो ये होगा वाई माइनस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ वाई को एक्स में, तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई, और जब आप ओपन करेंगे तो यहां में क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी टू जेड एक्स, ऐसा होगा। जब हम लोग माइनस का साथ में ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और मैं अगर लिखूँ तो यहाँ से क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और क्या ही मिल रहा है आपका, ठीक है, यहाँ में एक्स वाई मिल रहा है प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई मिला है, यहाँ से प्लस वाई जेड मिला माइनस जेड एक्स प्लस टू जेड एक्स, तो प्लस जेड एक्स मिला, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ रहा है, अब यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से देखिए आप माइनस कॉमन करेंगे, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस बाहर हो गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से क्या ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब आपको ये प्रूव करना था कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, और आपको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप ये माइनस का साथ में कमिट नहीं कर सकते कि ये नंबर कैसा हो, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो इस वाला जो अंदर वाला टर्म है, ये वाला, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस वन वन बाई टू को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा देखिए टू एक्स स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स, ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए, एक एक स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर लीजिए, यहाँ से वाई स्क्वायर लीजिए और यहाँ से माइनस टू एक्स वाई लिखिए, तो ये तीनों टर्म मिलके एक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से आप एक बार एक्स लीजिए, यहाँ से आप एक बार एक्स लेंगे, यहाँ से एक बार आप जेड ले लीजिए और यहाँ से टू एक्स जेड लीजिए टू एक्स जेड, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो तीनों टर्म मिलेगा, तो अब आपको क्या ही बच गया, एक्स y, ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। तो माइनस वन बाई टू, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड
तो मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये तीन टर्म हो गया। ठीक है, फिर हम लोग का वाई वाई और जेड का साथ में, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड। ठीक है, यहाँ से हमको हम लोग का क्या हो गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग का क्या बचा, अब एक आपको बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देख रहे हैं यहाँ से आप अगर टू से मल्टीप्लाई करने से हम लोग का होगा माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से देखिए ये तीनों टर्म मिलके आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से वाई वाई टू वाई जेड जेड एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ में देखेंगे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स होगा यहाँ से। ठीक है, टू जेड एक्स होगा। ठीक, तो आप इसको ये तीनों ग्रुप को आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ से देखिए ये तीनों कोई भी एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर है तो इसका डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स वाई जेड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका आगे में क्या ही आ गया, माइनस। तो ये ओवर वाला जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो कैसा ही होगा, नेगेटिव। तो यही आपको प्रूव करनी थी, तो आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, क्लिक कर दे बटन,